I'm Kajal and welcome back to my channel. Today is another day in Thailand. हम लोग अभी फुकेत में हैं. आज हम बहुत कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं, so I'm super excited for that. And अभी सुबह के 9 बजे हम लोग को फटाफट निकालना है क्योंकि हमने एक पैकेज बुक किया है जो है 9:30 बजे का पिकअप, उसमें लिखा है. एंड वी हैवन डन एनी ब्रेकफास्ट और बाकी सब रेडी हो रहे तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ. हमारे होटल के जस्ट बाजू में 7-Eleven है तो मैं वहाँ पर जाके कुछ पिकअप करने वाली हूँ खाने के लिए, हम तीनों के लिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट कार में कुछ खा सके. मैं अभी 7-Eleven में गई थी मेरे दोस्तों के लिए और मेरे लिए कुछ खाने को लेके आने के लिए, बट अपेरेंटली वहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं, सो मैंने बटर टोस्ट लिया है. बट ये 7-Eleven का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है यार. काश ऐसा इंडिया में भी है 7-Eleven, बट इन लोगों का कुछ अलग ही है. ओके, वी आर इन द कार नाउ. आई एम ईटिंग द ब्रेड बटर व्हिच आई गॉट फ्रॉम 7-Eleven. नाउ वी आर इन द ट्रेन. झूठ क्या बोल रही है? ट्रेन है ये. तो दिख रहा है ना कार. अरे मैं तो बताना ही भूल गई, डॉन इज डूइंग अ चैलेंज कि वो आज यहाँ पे मराठी में ही बात करने वाली है, तो बीच में मेरा यहाँ पे भी मराठी मराठी दिख गया, तो काइंड ऑफ मेरा भी ये चैलेंज होने वाला है स्पीकिंग इन मराठी इन साउथ कोरिया. ही बोलने आती मैं कहाँ पे फुकेत, फुकेत. मेरे माइंड में सिर्फ साउथ कोरिया घूम रहा है ना, तो वही माइंड में आ रहा है. सो या आज आम्ही मराठी बोलणार आहोत साउथ कोरिया पिक्चर आहे फुकेत मध्ये आणि मज्जा करू. यांना तर काय कळत नाही. वी हॅड सम प्लॅन बट वी कॅन्सल्ड इट बिकॉज ऑफ सम रिझन. अँड अभी हम लोग ब्रेड्स करणे आहे बिकॉज इट्स आर लास्ट डे इन फुकेत. आय एम गोना मिस दिस प्लेस, बट एक फुकेतचे मेमरी लेके जानी आहे, तो वी आर गोना डू ब्रेड्स. अँड आय हॅव डिसाइडेड की मैं पिंक कलर का ब्रेड करूंगी. सौम्या का चालू आहे वहां पे ब्रेड्स. आई डोंट इवन नो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद क्या पहनने वाली हूँ एंड कल क्या पहनने वाली हूँ. बस पिंक से अच्छा लग रहा है, बट पिंक कर दे रही हूँ मैं. अच्छा लग रहा है. 1 मिनट. क्या इट्स लुकिंग नाइस. एग्जैक्टली मैचिंग माय आउटफिट. गिव मी योर आउटफिट. ठीक है, लूज होगा बट पहन लेना. लंबू पंगू होना पड़ेगा. फाइनली आई डिड इट. ये मुझे बहुत टाइम से करना था और फाइनली कर दिया, वो भी मेरा फेवरेट कलर पिंक. आई एम सो हैप्पी विद दिस. फ्रॉम दैट आउटफिट टू दिस आउटफिट रियल क्विक. हम लोग एक्चुअली लंच करने गए और लंच में कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला, और हमारा नेक्स्ट जो हम एडवेंचर करने वाले हैं उसका बुकिंग था, तो हम लोग जो भागे फटाफट चेंज किया, मेकअप उतारा, और अभी हम हमारी वैन में हैं एंड वी आर गोइंग टू दैट लोकेशन. और इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. सो लेट्स गो. वी आर फाइनली हियर. वी आर हियर टू मीट दीज क्यूटीज. एंड ये बेबी वाला देखो, बेबी को भी देखो. क्यूटी. सो एक्साइटेड टू मीट देम. Oh my god, he's saying bye bye to all. Oh, he's such a cutie. God, I just gave him oops, sugar cane and अलग ही फीलिंग था यार, मज़ा आ गया इनको टच करके. थोड़ा सा डर लगा बट दिस गाय इज़ वेरी फ्रेंडली. हाय, ये बेबी एलिफेंट है सिर्फ 3 इयर्स का. सच अ क्यूटी. व्हाट अ क्यूटी. कम कम टेक टेक टेक. बाय बाय. हे यस, ये बड़ी 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 जी का. ओह माय गॉड, व्हाट अ क्यूटी. सो मैं बोल के आज का जो एक्सपीरियंस था विद एलिफेंट वाज सो गुड. वी हैड सो मच फन. इतने क्यूट थे. आई नो, बहुत क्यूट है ना. और हम लोगों ने उनके बहुत सारे पिक्चर्स भी क्यूट. बेबी एलिफेंट क्यूट, छोटा सा एलिफेंट. अरे बेबी एलिफेंट. हां क्या मैं मीडियम स्किनी एलिफेंट. या
बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वहाँ पे फोन का बैटरी डेड हो गया तो मैं कुछ मेरे फोन नहीं में कर पानी घुस गया और इसके फोन में पानी घुस गया राइट बट हमने बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक किए क्योंकि वहाँ पे अलग फोटोग्राफर थे जो मेरे पिक्चर्स क्लिक करते जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एंड माय एक्सपीरियंस वाज सुपर गुड. घर आए चेंज किया और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने बिकॉज टुडे इज आवर लास्ट डे इन दिस ब्यूटीफुल सिटी एंड वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. वी डोंट वांट टू मिस बहुत सारा खाना खाना है बहुत सारी शॉपिंग करनी है बस सुबह सुबह मतलब हम लोग को एटलीस्ट 7 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए तो बस अभी 6 बजे तक तो घूमेंगे हम लोग. मेरा तो बैग भी पैक है. मेरा बैग पैक नहीं. हाँ मेरा तो बैग पैक है. टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू स्ट्रीट इन फुकेट. दिस इज कॉल्ड चिल्वा मार्केट एंड दिस इज सच एन हैपनिंग स्ट्रीट. मतलब यहाँ का वाइब एकदम मस्त है. हर जगह खाना खाना दिख रहा है. मजा आ रहा है देख के. Came to this cute shop जहाँ पे हर शेप की चॉकलेट्स है एंड डॉल ने मेरे लिए चॉकलेट नहीं नहीं मैं दुनिया को बताऊंगी उसने मेरे लिए ये वाला चॉकलेट सिलेक्ट किया है. तू भी खाएगी. We are at this cute bar and I'm going to try soju for the first ever time. And to be honest, 3 साल हुए मैंने अल्कोहल नहीं पिया है. So I'm a little scared but super excited because this was in my bucket list. To be in out of country and have soju. वैसे तो साउथ कोरिया में पीना था बट थाईलैंड में भी सही है. So I'm super excited to have soju, peach soju. Wow! Cheers to life! यहाँ का स्ट्रीट फूड में कुछ अलग ही बात है. मज़ा आ गया खा के. थोड़ा सा मोहम्मद अली रोड का भी टच दे रहा है ना. थोड़ा 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 नहीं यार अलग है. अलग है बट वो हाँ मतलब ऑफकोर्स ये वो इंडियन वाला ये फॉरन वाला ये देखो यार. जल्दी बना. मेरे को कोइंसिडेंटली मेरी एक इंडियन फ्रेंड यहाँ पे मिली. मतलब मैंने उसका स्टोरी देखा. वो मेरे साथ इंडिगो में काम करती थी. तो नाउ आई एम गोइंग टू मीट हर. आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर इन सम अनदर कंट्री. एंड माय इंडिगो फ्रेंड इज योर. और ये बहुत यूनिक है क्योंकि इसका बर्थडे है 29 फेब. बट काइंड ऑफ बर्थडे थी नहीं. यस है ना. हम दोनों का. हम दोनों का. हाँ फ्यू आवर्स. तो जैसे कि आपने देखा हम लोग कैसे सो सो के कार में आ रहे थे. दैट इज़ बिकॉज हम लोग रात भर सोए ही नहीं और फटाफट नहा के अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए बिकॉज टुडे वी आर गोइंग बैक टू इंडिया. एंड दिस ट्रिप वाज डेफिनेटली वेरी मेमोरेबल. बहुत मज़ा किया और बहुत सारी मेमोरीज बनाए. एंड बस मैं बोल ही रही थी कल इनको कि जाते जाते ना कुछ कांड ना हो जाए. एकदम अच्छे अच्छे मेमोरीज ही लेकर जाना है. और आज सुबह सुबह ही एयरपोर्ट पे इतना बड़ा कांड हो गया ना. आई लिटरली कैन नॉट टेक इट व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट एंड स्पेशली दे डिसरिस्पेक्ट देयर ओन जॉब. और वही आज कुछ ऐसे हुआ. थाई एयरलाइन की एक एम्प्लॉय थी एंड आई पोलाइटली आस्क्ड हर मैम वेयर इज इंडिगो काउंटर एंड शी जस्ट फ्लिप्ड हर हेयर एट मी एंड शी इग्नोर्ड मी एंड आई वाज लाइक डूड व्हाई. रिक्वायर्ड ही नहीं था. एंड देन आई रियलाइज दैट वॉज बिकॉज आई एम एन इंडियन. आई लाइक एक्सक्यूज मी. She again ignored me and then she realized that maybe मुझे बात कर लेनी चाहिए. तो वो ऐसे देख के चिड़के बोलती है कि information desk is there, go there. वो भी इतना चिड़के. मेरे को इतना गुस्सा आया ना. आई एम लाइक तेरे घर का नहीं खाती मैं. मैं मेरा बैग वैग रखी एंड आई वेंट देयर. थोड़ा गुस्से में थी मैं बिकॉज सच्ची में यार दिमाग ख़त्म हो ख़राब हो गया मेरा. मैं गई एंड मैं ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा करने का सीन नहीं था. आई वॉज लाइक मैं पोलाइटली सिर्फ उसका नाम लूँगी और कंप्लेन डाल दूंगी फिर जो भी कंपनी और देख लेगी वगैरह वॉट एवर. आई वेंट देयर. आई आस्क्ड हर या एग्जैक्टली. आई एग्जैक्टली. और मैं सेम इंडस्ट्री में थी यार. एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसे एथिकेट्स नहीं सिखाते. अरे मैं तो रिक्शा वाले को भी सर बोलती हूँ. और आई एम सो श्योर कि एयरलाइन में जितने भी लोग हैं ना वो लोग भी उनको भी ये हैबिट होगी क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई रूड बात नहीं करता. को हमेशा सब अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करते. और ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में ही चढ़ गया. एंड ऑल्सो दैट बिकॉज रेसिज्म मेरे को ऐसा फील हुआ. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस कि ऐसा मैंने कुछ फेस किया. जब उसको नाम पूछा तो वो एकदम चढ़ गए. मतलब आई पोलाइटली आस्क्ड हर व्हाट्स योर नेम. आई वॉन्ट योर नेम.
वो डायरेक्ट अपनी सीट से चढ़ गई और मेरे आंग पे आके आई विल नॉट गिव यू माई नेम वॉट यू विल डू डायरेक्ट चढ़ गया ना लाइक दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड वाई यू डूइंग दिस डोंट शाउट एट मी पर मैडम शांत होने का ध्यान ही ले ली थी तो मैंने फोटो लेने का एक्टिंग किया तो उसकी फट गई हाथ में आ गई तो बोलती मैं भी पुलिस को बुला रही मैंने कहा ठीक है बोला मैं उधर इंडिया काउंटर के इधर हूँ तो मैडम लेकर आई पहले तो अकेली आई और फिर अपने पूरे झुंड को लेकर आई और उनको अपने लैंग्वेज में कुछ 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 बोल रही है और उनको झूठ बोल रही है कि ये जब मेरे को पूछ रही थी तब मैं किसी और पैसेंजर को अटेंड कर रही थी ऑल दो देर वॉज नो बड़ी उसके आजू बाजू में भी कोई नहीं था वो कुछ भी झूठ बोल रही थी हुआ सो हुआ बोलती फ़ोटो खींचा कुछ भी फ़ोटो मिला नहीं उसकी फट गई अभी गाली आ रहा है मुँह में बट समझ जाओ बट आई रियली फील ये जो यहाँ पे जो मतलब ये मैंने इसी इस लड़की से ही नहीं बहुत सारे लोगों से देख मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे ना इंडियंस को थोड़ा कम नापते तोलते हैं है यहाँ पे मतलब 100 में से 10 लोग हैं जो इंडियंस को अच्छे से ट्रीट नहीं करते उनको उनका गुस्सा ही आता है पता नहीं क्यों बट आई फील ये सर नेशनलिटी से कौन किसी को कैसे ट्रीट करना कैसे डिसाइड कर सकता है आपसे कोई अगर सामने वाला अच्छे से बात करे तो तुम भी बात करो ना आई थिंक ये सब चीज़ें आप सबको सीखनी चाहिए सीखनी भी क्या है यार इनबिल्ड आता है वो अपने में बट एनी वे ट्रिप ख़त्म हो गई आई हैड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज हियर गुड बैड अच्छा था जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था और एक बैड एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ मैंने बहुत टाइम से ना वो पिंक ड्रिंक देखा था स्टारबक्स वाले कि मुझे ये लेना है एंड अपने इंडिया में वो मिलता नहीं है हम लास्ट टाइम जब दुबई गए थे तभी भी लेना था लेकिन स्टारबक्स जाना ही नहीं हुआ तो इस बार तो मैंने सोचा चाहूँगी नहीं हुआ बट लकीली एयरपोर्ट पर था तो मैंने फट से ले लिया एंड गेस व्हाट मैंने वो चेक इन एरिया से पहले लिया था तो मैंने तब तो ड्रिंक भी स्टार्ट नहीं की थी पीने की क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के मैं आपको रिएक्शन दूंगी कैसा था ड्रिंक एंड शी इज़ लाइक ड्रिंक्स नॉट अलाउड आई वाज लाइक शिट तो मुझे फटाफट वहाँ पे पीनी पड़ी बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग वो हाइप बहुत मेरे को वर्थ इट लगा ही नहीं क्योंकि वो ऐसा एक चीज कोई तो इंडियन ड्रिंक का ही मुझे याद दिला रहा था मेरे को याद नहीं आ रहा है बट बहुत ही बेसिक सा ड्रिंक था वो पता नहीं क्यों इतना उसको हाइप करके रखा है पिंक ड्रिंक ओके ड्रिंक ओके मतलब 10 में से मैं उसको 5 मार्क्स दूंगी इतना ओके था वो चलो अभी जाते हैं फ्लाइट पकड़ने